हिमाचल में कांग्रेस के 3 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय। आज हो सकता है टिकट का ऐलान। 5 दिन बाद शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 3 विधानसभा सीटों पर आज प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से बीती शाम फोन पर लंबी बात की है और प्रत्याशी तय कर दिए हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी का इंतजार है। बीजेपी ने कांग्रेस के 6 बागी एवं पूर्व विधायक की सीटों पर बीते 26 मार्च को टिकट दे दिए हैं, मगर कांग्रेस पार्टी पूरा अप्रैल बीतने के बाद भी 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार पाई है। हमीरपुर जिला की बड़सर, कांगड़ा की धर्मशाला और लाहौल स्पीति सीट पर अभी कांग्रेस के प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं, जबकि 5 दिन बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। धर्मशाला से टिकट की रेस में 4 नाम शामिल। धर्मशाला सीट से पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी, 2020 के उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी विजय इंद्र करण, भाजपा के बागी राकेश चौधरी और हरभजन का नाम टिकट दावेदारों की रेस में है, मगर राकेश चौधरी की अब तक पार्टी में एंट्री नहीं हुई है, इसलिए चौधरी के टिकट पर संशय है। बड़सर में प्रत्याशी को लेकर तस्वीर धुंधली। हमीरपुर जिला की बड़सर विधानसभा से पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा, संजीव शर्मा और ज्ञानचंद का नाम चर्चा में है। मनजीत डोगरा 2 बार के विधायक रहे हैं, एक बार वह इंडिपेंडेंट तो दूसरी बार कांग्रेस से चुनाव जीते हैं। वहीं संजीव शर्मा ने 2022 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और 15,000 से ज्यादा मत हासिल किए। कांग्रेस संजीव शर्मा को भी बागी एवं पूर्व विधायक और बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल के सामने उतार सकती है। लाहौल स्पीति में मार्कंडे पर संशय। कांग्रेस के कुछ नेता लाहौल स्पीति में बीजेपी के बागी डॉक्टर रामलाल मार्कंडे को प्रत्याशी बनाना चाह रहे हैं, मगर पार्टी को यहां बगावत का डर है। अभी तक रामलाल मार्कंडे भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, तो उनके टिकट पर भी संशय बना हुआ है। मार्कंडे के अलावा पार्टी प्रवक्ता अनिल सहगल, जिला परिषद चेयरमैन अनुराधा राणा और पूर्व विधायक रघुवीर सिंह ठाकुर का नाम भी लाहौल स्पीति से टिकट दावेदारों की रेस में शामिल है। कांग्रेस बागियों को ये 3 दे रहे हैं चुनौती। वहीं कुटलैहड़, सुजानपुर और गगरेट सीट पर कांग्रेस ने बीते सप्ताह प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कुटलैहड़ में कांग्रेस ने विवेक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि गगरेट में 3 बार के पूर्व विधायक राकेश कालिया और सुजानपुर में बीजेपी के 2022 के चुनाव में प्रत्याशी रहे कैप्टन रंजीत सिंह को टिकट दिया गया है।